सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग चैनल। वेलकम बैक कैसे बोल सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट ही व्लॉग है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई फर्स्ट व्लॉग। आज हम किसी काम से कुनिहार जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका एक व्लॉग क्रिएट कर लें। कुनिहार हिमाचल प्रदेश की सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कुनिहार को छोटी विलायत के नाम से भी जाना जाता है। और मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला है कि कुनिहार से 500 मीटर आगे जाके एक शिव तांडव नाम की गुफा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल गुफा है और हम वहाँ भी जाएंगे और देखेंगे कि वो गुफा कैसी है और उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में, चलिए अब चलते हैं कुनिहार की तरफ। तो घर से चलने के बाद अभी मैं खलीनी पहुंचा हूं और यहां पर मैं अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूं जो कि मेरे साथ कुनिहार तक आएगा। तो अभी मेरा फ्रेंड आ गया है और मैं कैमरा इसके हाथ में दे रहा हूँ, यहाँ से आगे की रिकॉर्डिंग यही करेगा क्योंकि मुझे ड्राइव करना है। तो खलीनी से चलने के बाद अभी हम ISPT पहुंचे और यहाँ पर पहुंचने के बाद मुझे ख्याल आया कि हम कुनिहार जा तो रहे हैं लेकिन कौन से रूट से होके जाएंगे, क्योंकि शिमला से कुनिहार जाने के लिए हमारे पास 3 रूट अवेलेबल है। सबसे पहले तो हम टूटू से होके जा सकते हैं और दूसरा है घनाटी से, और कुनिहार जाने के लिए थर्ड रूट है तारा देवी वाले रोड से कटने वाला लिंक रोड। तो हमने डिसाइड किया है कि हम तारा देवी से जो लिंक रोड कुनिहार के लिए जाता है उसी से होके हम कुनिहार जाएंगे, क्योंकि अगर हम टूटू वाले रोड से होके गए तो हमें इस टाइम पे काफी ट्रैफिक मिल सकता है और हम वहाँ से लेट भी हो सकते हैं, इसीलिए हम इसी लिंक रोड से होके जा रहे हैं। तो तारा देवी वाले रोड में इस जगह से कुनिहार जाने के लिए लिंक रोड कटता है। अगर आप चाहें तो आप इसी वाले रोड से जा सकते हैं क्योंकि यहाँ से होके आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो अभी हम जिस जगह पहुंचे हैं उसे कैंची मोड बोलते हैं। चाहे आप टूटू से आ रहे हो चाहे तारा देवी वाली साइड से आ रहे हो, आप दोनों जगह से आके यहीं पे पहुंचेंगे। और चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इसके आगे, हम देखते हैं कि हमारे रास्ते में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जो जो फेमस चीजें होंगी उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी हम शिमला एयरपोर्ट के पास पहुंचे हैं। यहां से जो लेफ्ट साइड वाला रोड है वो एयरपोर्ट को जाता है और राइट साइड वाला रोड कुनिहार को जाता है। और दोस्तों ये रोड काफी क्लीन है और इसके दोनों साइड ट्रीज ही ट्रीज हैं। तो अब हम कुनिहार पहुंचने वाले हैं और यहां पर लेफ्ट साइड में हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें कि आजकल क्रिकेट टूर्नामेंट भी चले हैं, और ग्राउंड से थोड़ा आगे आने पर हमें एक चौक दिखेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कुनिहार आने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, जिसमें से जो सेकंड वाला रूट मैंने आपको बताया था वो घनाटी से था। अगर आप घनाटी होते हुए कुनिहार आएंगे तो इसी चौक में आप निकलेंगे और इस चौक के आगे कुनिहार की मेन मार्केट स्टार्ट होती है जो कि काफ़ी बड़ी मार्केट है। और मेन मार्केट के एंड होने पर थोड़ा आगे जाके हमें लेफ्ट साइड को मुड़ना है नालागढ़ वाले रोड पर, और इस रोड में करीब 500 मीटर आगे आने के बाद फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम मंदिर के गेट के पास खड़े हैं और ये गुफा शिव तांडव गुफा है। और यहाँ से नीचे जाने के लिए वैसे तो रोड भी है, अगर आप नीचे अपनी गाड़ी ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि नीचे हमें पार्किंग भी मिलेगी या नहीं, इसीलिए हम गाड़ी को ऊपर मेन रोड में ही पार्क करके जा रहे हैं। मेन रोड में पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है, तो चलिए देखते हैं आगे जाके हमें यहाँ से मंदिर तक जाने में कितना टाइम लगेगा और हमें कितना चलना पड़ेगा मंदिर तक जाने के लिए। और गाइस ये है मंदिर का गेट और यहाँ से है मेन रास्ता या रोड जो भी आप बोल लो, इसी में हम आगे जाएंगे और देखते हैं यहाँ से आगे जाके मंदिर कितना दूरी पे हमें मिलता है। तो यहाँ पे मंदिर में घंटी भी देखता हूँ, इसको बजाना तो मुश्किल ही नहीं, इसको नामुमकिन लगता है। मंदिर के फर्स्ट गेट से थोड़ा नीचे आ जाने पर हमें एक और गेट दिखाई दे रहा है। इस गेट के पास गाड़ियों की पार्किंग तो है लेकिन यहाँ पर एक टाइम में 2 या 3 ही गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। इसके आगे पैदल चलने वाला ही रास्ता है
और ऊपर से नीचे आने के लिए थोड़ा ही रास्ता है। हम मंदिर के पास लगभग 1 या 2 मिनट में पहुंच भी गए हैं। और अब हम मंदिर के मेन कैंपस में पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये है मंदिर का मेन व्यू और ये है मंदिर का मेन गेट। इसी के अंदर है गुफा और बाहर है नंदी जी विराजमान। और यहाँ पर मंदिर का एरिया काफ़ी बड़ा है। अगर यहाँ पर जगराता और भंडारा होता होगा तो यहाँ लोगों के बैठने के लिए काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की गई है। और मंदिर के सामने का व्यू काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी ग्रीनरी वाली पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम गुफा के अंदर चलते हैं। ये है गुफा का मेन एंट्रेंस और गुफा अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है लेकिन काफ़ी खुली गुफा है। यहाँ पर एक बारी में काफ़ी लोग आ सकते हैं। और गुफा को अंदर से देखने पे पता चलता है कि ये काफ़ी साल पुरानी है। और इस गुफा के इतिहास के बारे में मुझे स्थानीय लोगों से ये पता लगा है कि ये गुफा सतयुग से संबंध रखती है। और इस गुफा में शिवजी भगवान ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। और इस गुफा में जो ऊपर की ओर चट्टाने हैं वो गाय के थनों के आकार की है। और कभी किसी समय में इन चट्टानों से शिवलिंग के ऊपर दूध गिरता था। और इस गुफा के अंदर ये मेन शिवलिंग है। यहाँ पर दूर दूर से लोग इस शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी सुरंग भी है। तो गाइस हम मंदिर पहुँच चुके थे और मंदिर में पहुँचने के बाद यहाँ पे काफ़ी शांत वातावरण है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लगा। और मंदिर में हमने लगभग 30 to 50 मिनट स्पेंड किए और उसके बाद अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो मंदिर में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप भी अपना समय निकाल के यहाँ पे आइए और इस मंदिर को एक्सप्लोर कीजिए और इसमें जो गुफा है उसके दर्शन भी कीजिए। आपको यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।